सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा पर जमकर आरोपों की झड़ी लगा दी है। विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पटलांदर के असला गांव में पूर्व कांग्रेस सरकार और उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया के द्वारा 33 KV सबस्टेशन का फाउंडेशन स्टोन सरकारी भूमि पर रखा गया था, जिसके लिए विधिवत बजट का भी प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को विभाग के नाम भी ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बीते 3 वर्ष होने के बावजूद आज तक सत्तासीन भाजपा सरकार ने उस 33 KV सबस्टेशन निर्माण कार्य में एक भी ईंट नहीं लगवाई है, जिसके चलते क्षेत्र के लोग आए दिन बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सबस्टेशन के निर्माण कार्य को शुरू ना करने के पीछे भाजपा पार्टी की मिलीभगत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने नियमों को हाशिए में धकेला है। विधायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 33 KV स्टेशन के लिए सरकारी भूमि अलॉट की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने भाजपा नेता की निजी भूमि को बिजली विभाग को बेचा है और वहां पर कार्य शुरू करने की बात की जा रही है। विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकारी भूमि निशुल्क उपलब्ध थी तो लाखों रुपए के खर्च उस भाजपा नेता को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में सरकार इन प्रश्नों का जवाब दे कि आखिर एक नेता को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के काम क्यों किए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हो चुकी है और सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। देखिए, 3 वर्ष पहले जो है पटलांदर के साथ औसला में 33 KV सबस्टेशन जो है उसकी स्थापना के लिए शिलान्यास किया गया, सरकारी जमीन जो है ट्रांसफर करी गई, और उस समय राजा वीरभद्र जी की सरकार थी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उस समय के राजा वीरभद्र सिंह जी और ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया जी ने वहां पर इसका शिलान्यास किया। बड़ी हैरानी की बात है कि 3 साल गुजर गए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी थी, जमीन जो है विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी, उसके बावजूद भी 3 साल में काम नहीं हुआ। कारण सिर्फ एकमात्र है कि यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां प्राइवेट जमीन खरीदी गई। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार के पास जमीन है, जमीन ट्रांसफर हो गई थी, तो प्राइवेट जमीन जो है कौड़ियों के भाव जो जमीन खरीदी गई थी, वो आज जो है 7 लाख रुपए जमीन जो है 34 लाख में खरीदी गई एक पदाधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस इलाके के सारे जो लोग हैं जिनकी परेशानी है बिजली की शॉर्टेज की वजह से, वो सब लोग परेशान हो रहे हैं, और इतनी निकम्मी सरकार है कि ये बिल्कुल 3-3 साल में भी काम नहीं शुरू कर पा रही है।